टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा लगातार मुस्लिम कौम के होनहार बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है और जो बच्चे गुर्बत की वजह से अपनी तालीम पूरी करने में काबिल नहीं होते उन्हें आर्थिक मदद प्रदान कर उनकी तालीमें पूरी कराने का जिम्मा लिया जाता है और तालीम पूरी कराई जाती है। सन 2010 से इकरा टीचर्स एसोसिएशन ने एक अनूठी पहल करते हुए मुस्लिम समुदाय के युवा पीढ़ी को शिक्षा का महत्व बताते हुए ऐसे बच्चे जो होनहार होने के बाद गुर्बत की वजह से अपनी तालीम पूरी नहीं कर सकते उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराकर उनकी तालीम पूरी करवाने का जिम्मा उठाया है और यह सिलसिला आज भी अनवरत जारी है। इसी कड़ी में सेक्टर 6 जामा मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में इस वर्ष भी होनहार बच्चों का इस्तकबालिया प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें इकरा कमेटी द्वारा बच्चों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं उपहार देकर हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम के शुरुआत में प्रोग्राम के मेहमान खुशूसी का बुके देकर इस्तकबाल किया गया। तत्पश्चात मंच के माध्यम से अतिथियों ने कमेटी के द्वारा कौम के होनहार बच्चों की तालीम पूरी कराने के कार्य की जमकर सराहना की और कमेटी के इस कार्य में अपना सहयोग देने की बातें भी कहीं। आज कुछ बच्चे ऐसी मदद पाकर अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और वह खुद को गौरवान्वित महसूस करते हुए कमेटी के द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों में अपना सहयोग देने की बातें कर रहे हैं। प्रोग्राम की जानकारी इकरा टीचर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने न्यूज़ टीम को दी है। मैंने बीएड किया इकरा फैमिली की हेल्प की वजह से। मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरी जॉब लगी है अभी आत्मानंद स्कूल में। मैं लेक्चरर पोस्ट में मेरी पोस्टिंग हुई है और मेरी बहन का छावनी में हुआ है, उसके लिए भी मेरे और मेरी बहन के लिए इकरा फैमिली ने हेल्प किया था और हमने उनकी हेल्प से बीएड कंप्लीट किया और उसके बाद हमारी जॉब लगी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इकरा फैमिली की, अजमतुल्ला सर की, फारूकी मैडम की और रज़ाक भाई, अब्दुल रज़ाक भाई, सब ने बहुत मदद की हमारी और आज तक हमारे साथ खड़े हैं। मैं अपने पेरेंट्स के लिए और इकरा फैमिली की बहुत हेल्प करना चाहती हूँ आगे जाके, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी इकरा फैमिली के लिए, इकरा एसोसिएशन के लिए। मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगी अपने पैसे और उन बच्चों के लिए मैं आगे सोचती हूँ जो मेरे जैसे हैं, जिनके एम्बिशन हैं और जो आगे बढ़ के अपने फैमिली के लिए और ऐसे मदद करना चाहते हैं आगे बढ़ के लोगों के लिए, वो उनको एक हेल्प मिलेगी मेरी वजह से। हमारी कौम की हालात जो है फ्लेचर कमेटी के बाद में जो है बद से बदतर बताया गया और हमारे मुल्क में जो है वो एक उंगली अगर बीमार है तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है पूरी तरह से वो मुकम्मल नहीं है। तो उसको एक मरहम लगाने के मकसद से हमने ये सोचा कि जो है उन अपने मुल्क के उन बच्चों को, उन दबे कुचे बच्चों को जो पैसे की वजह से तालीम से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग फोकस किया जाए और एक टीम के तहत हम लोगों ने जो है इस गरीब और होनहार बच्चों को हम लोगों ने मदद करना शुरू किया 2006 से। मेरे जो ससुर थे उन्होंने, जनाब MU फारूकी साहब, तो उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया था, 3 साल ही हुए थे उस फाउंडेशन को, उसका नाम था सहाबा। और वो चाहते थे कि मुस्लिम्स में एजुकेशन ज़्यादा हो और जो मुस्लिम जो एजुकेटेड हैं वो मदद करें जो अनएजुकेटेड हैं उनको आगे लाने में। तो उन्होंने ये फाउंडेशन शुरू किया था 2010 में। मैं उनके साथ पहली बार यहाँ पे आई, 2009 में पहली बार उनके साथ में आई थी इकरा में। तब मैंने हिम्मत करके एक बच्ची को गोद ले लिया था क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम स्पॉन्सर कर लो बच्चे को। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, लेकिन इकरा से उस वक्त से हम लोग जुड़ गए। सहाबा उनकी ट्रस्ट थी, तो सहाबा और इकरा ने मिलकर माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों को गोद लिया। और जब तक बच्चे पढ़ाई अपनी कॉलेज की शुरू करते हैं और जब तक ख़त्म करते हैं, इस दरमियान हम एक फैमिली की तरह होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चे हमसे जुड़े होते हैं और डे टू डे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये बहुत ही एक ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़ी फैमिली हैं और उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दूर होते हैं, प्लस हमारे और उनके बीच में ऐसा लगता है जैसे कि हम एक बहुत अच्छा एक जॉइंट फैमिली हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। 20-22 बच्चों की एजुकेशन अभी हमारी तंजीम उठा रही है खर्चा, और जो बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं अच्छे मार्क्स से, जो अपने जनरल कैटेगरी के होते हैं, उन लोगों को हमारी संस्था जो है वो सम्मानित करती है। आज उसी कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने के लिए, मकसद यही है कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई में ख़ासतौर से मुस्लिम बच्चे जो पीछे हैं उनको, जो होनहार अच्छे बच्चे हैं और गरीब हैं,
इकनॉमिकली जिनका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए और वो बच्चों को हेल्प हो जाए और उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है ना, कि कुछ बच्चे हेल्प के जरिए पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और जॉब में भी आ गए हैं कुछ बच्चे। सर ये प्रोग्राम हम 2010 से कर रहे हैं और ये देखा जाए तो आज हमारे को 12 साल हो गए और हर साल करीब करीब 20 से 25 बच्चों को हम मदद करते हैं हर साल। तो करीब करीब 250 से 300 बच्चे हमने अभी तक अपनी तंजीम से मदद करके उनको आगे बढ़ाया है और उसमें बहुत सारे बच्चे जॉब में भी लगे, गवर्नमेंट जॉब में भी लगे। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है इकरा टीचर एसोसिएशन द्वारा, वो 65% बच्चे जो आपने 10th और 12th में लाए हैं उनको सम्मानित किया गया है, उससे ऊपर 60 मोर देन 65 और उनको सम्मानित किया जा रहा है और उनको जो है एक गुलदस्ता फ्लावर और जो है उनको प्रतिष्ठा पत्र देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं जिससे कि वो उनमें एक हौसला अफजाई हो और वो इनकरेज हों और अपने मकसद में आगे बढ़ें। और मैं पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ कमेटी के साथ में। ये कमेटी तो 2010 से ये बच्चों को, गरीब बच्चों को अपने गोद लेके पढ़ाई में खर्चा कर रही है और उनको अच्छी तालीम दिलवा रही है और कई बच्चे इसके मतलब गवर्नमेंट जॉब में और अच्छी तालीम पा के अच्छी जगह पर पहुँच चुके हैं। आज का दिन ये हर साल हम लोग इसको बनाते हैं कि जो बच्चे होनहार बच्चे जो रहते हैं जो अबव 65% या नीट जेई ये सब में कम्पीट करते हैं, कंपटीशन में कम्पीट करते हैं और जो बच्चे हमारे सोसाइटी से मतलब इससे निकलते हुए हैं उनसे उनको हम हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे भी देख के इसका इंस्पिरेशन ले, इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं और लोगों को बुलाते हैं। आज के दौर में मुस्लिम समाज में भी शिक्षा को तवज्जो दिया जा रहा है और वह भी यह जान गए हैं कि बगैर तालीम हासिल किए इस ज़माने में चलना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि इकरा टीचर्स एसोसिएशन और ऐसी कई कमेटियां कौम को शिक्षा की अहमियत बताते हुए गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारियाँ उठा रही हैं और कौम को मजबूत करने का प्रयास भी कर रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।